मसीरियल इंतकाम इसकी आउटडोर फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपको बताएं। सबसे पहले तो मैं अपने इस ड्रामे के जो हीरो हैं, विलन है, टेक्निकल होम ऑपरेटर, प्रोड्यूसर, इन सबका बहुत मशहूर हूँ। साथ जो कैमरे के बैक में जितने भी हमारे टेक्निकल स्टाफ वाले हैं, मैं उन सबका बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे वक्त दिया स्पेशली इस सीरियल में। तो हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि नए नए प्रोजेक्ट आपके सामने ले आए। स्पेशली इसमें मैंने बहुत मेहनत की है कि इसको अच्छी लोकेशन पर रिकॉर्ड किया जाए ताकि नाज़रीन इसको पसंद करें। परिंदा भी हमारी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ktjproduction.com। तो थैंक यू नाज़रीन, स्पेशली वॉच दिस सीरियल, ड्रामा सीरियल इंतकाम। वो इश्क था या बेखुदी, शायद जुनून या फिर दिल लगी। बस अल्लाह पाक का करम है।
भाई साहब एक बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। क्यों? कि आप इस इतनी बड़ी हवेली में अकेले रहते हैं। शेर जंगल में अकेला, मलिक गुलिस्तान इस हवेली में अकेला, तो क्या फर्क पड़ता है यार? क्यों परेशान हो यार? बस मेरे वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, फिर उसके लिए मुझे पैसे जरूरत है। यार पहले बता दिया होता, जैसा आपका वाले जैसा मेरा वाले। आओ पैसे हवेली में पड़े हैं, मैं तुझे अभी देता हूँ, चलो आओ। यहाँ से तमीज से जाया करो, ये तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है। अब आप हमें बताओगे कि हमें कैसे चलना चाहिए? तुम जानते नहीं हो मैं मलिक गुलिस्तान हूँ, इस सारी बस्ती के लोग मेरे ताबे रहते हैं। तुम तो मलिक गुलिस्तान हो, लेकिन तुमने हमें नहीं पहचाना कि हम कौन है। ये दिल तो चाहता है कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालो। तुम जो भी हो, तुमने बहुत गलत कदम उठाया है, लेकिन याद रखो तुम बहुत जल्द मुझे जान दोगे। जा जा, बात की बातें बाद में देखेंगे। ऐसा ना हो कि मेरा दिमाग घूम जाए और मैं तुझे यही दे जितना तो डालू। चला साहब, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। खटक के भाइयों ने मेरी बेच चुकी है। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं, मैं उनकी खोपड़ियां उड़ा दूंगा। यार किन की खोपड़ियां उड़ा रहे हो, मुझे भी तो बताओ ना। क्या तुमने मलिक साहब की बात नहीं सुनी? मैंने सुन लिया यार बात, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई है। मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि आपकी समझ में भी आ जाए और मेरी समझ में भी आ जाए। मलिक साहब, उन्होंने आपकी बेइज्जती नहीं की है, बल्कि हमारी बेइज्जती की है, हम सब की बेइज्जती की है। अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आओगे। मेरे रास्ते में आए, ऐसा ना हो कि मैं आपको भी माफ ना करूं। मलिक साहब, मेरा शैतान मुझ पे गालिब आ गया है, अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। रफी, तुम तैयार हो जाओ, हम मुकाबला करने जाएंगे, उनसे मुकाबला करेंगे। चलो आओ चलते हैं। रुक जाओ। क्या बात है? बात बात बताने का टाइम नहीं है मेरे पास। कलम ने गार है ठीक ही कहा है, पहाड़ से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफान से टकराए उसे लुकमान खान कहते हैं। आ जाओ मेरे रास्ते से, वरना वरना क्या रफी मार।
है अलकानी। पानी दे दे। अच्छा क्यों भाई क्यों परेशान हो? यार मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में मुब्तला हूँ, मेरे ऊपर तूफान खड़ा हुआ है। क्या हुआ क्या हुआ यार? बस तुम मेरे लिए दुआ करो, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। हुआ क्या है बता? बस तुम दुआ करो, मैं जाता हूँ। अल्लाह जा।
पास या मेहरबान। क्यों फिक्रमंद होके बैठे हो दोस्त? यार मैं फिक्रमंद होकर क्यों ना बैठूं यार? जब तक मैं अपने भाइयों के कांटों को ना मार लूं उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। यार अगर तुम्हें कोई पुल बेहद पसंद आ जाए और उस पुल के कांटे आपके सीने में सुइयां की तरह चले जाए तो आप क्या करोगे? मैं उस पुल का ख्याल दिल से निकाल दूंगा। तो फिर निकाल दो अपने भाइयों का ख्याल अपने दिल से। क्या बात कर रहे हो यार, जब तक मैं अपने भाइयों को कांटों को ना मार लूं उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और ये खटक कहां था रहा? जब तक मैं उनको चुन चुन कर ना मारूं मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। यार वो तो ठीक है मगर आप अकेले हो, वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। हमेशा याद रखो दोस्त, एक तरफ से हजार माचिस की तीली बन सकती है मगर एक माचिस की तीली एक लाख दरख्तों को जला सकती है। ये किसी अच्छे राइटर हसन निगाह खटक के अल्फाज है। तो जिंदगी में किसी के साथ सहमति नहीं करनी चाहिए दोस्त, शायद वो उस वक्त ताकतवर हो और वक्त उससे ज्यादा ताकतवर है। तुम आप खटक को देख लोगे। अल्लाह। सलाम, कैसे हैं यार? ठीक ठाक, आप सुनाओ। यार मैं आपके घर आया था आपके भाइयों का अफसोस करने, लेकिन वहाँ से मालूम हुआ कि आप यहाँ हैं तो मैं इसलिए यहाँ तशरीफ ले आया। क्यों रो रहे हो यार? तकदीर का लिखा मिट नहीं सकता। निगार ने क्या खूब कहा है कि बुलबुल को ना बागबान से ना सियाहत से, गिला किस्मत में लिखी थी कैद के फैसले बहार में। यार हर बात किस्मत पर नहीं छोड़नी चाहिए। मलिक गुलिस्तान ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको एक बात बताने आया हूँ खटक। क्या बात मेरे दोस्त? तो आपको मलिक साहब की हवेली में एक पश्तो म्यूजिक शो है तो आप इसको भरपूर फायदा उठाए और उन सब भाइयों को मार डाले। मैं एक गैरतमंद बाप का बेटा हूँ, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको सब लोगों के सामने मारूंगा। हमने शिकार करना क्या छोड़ा, कुत्तों ने समझा जंगल हमारा है। अल्लाह हाफिज। सबको बता दो मलिक गुलिस्तान की हवेली में पश्तो म्यूजिक शो है और डांस मास्टर का फैदुल्ला आ रहे हैं। वक्त के रोजा मनी पे हजीरो अंदर का मोर वीडियो खत्म कीजिए। डालर है गोरा लखा मानी जर्क वाला जो है। Off the jam.
तुमने मेरे भाई को मारा, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूं। तुम जानते नहीं हो मैं मलिक गुलिस्तान हूँ। तुम खटक हो तो मैं भी खटक हूँ। खटक और खटक वो हीरा है जो गले से लग जाए तो हार है, वरना तलवार है। और आज तुम सब कुत्ते की मौत मरोगे, कुत्ते की मौत। बेइंसाफी की बात ना करो, आज मेरा शैतान मुझ पे गालिब है। सुनो फिर इंसाफ के मालिक, मेरा इंसाफ का तकाजा ये कहता है कि पहले गोली तुम्हें मारूं या तुम्हारे बॉडीगार्ड को। तुम हद पार कर रहे हो, गोली चलाने का तरीका हमें भी आता है। किसी ने ठीक कहा है, किधर अपने ऊपर नाक शेव करता है, ना उसके काम शेव होने दे ना उसके चलने का अंदा। तुम दूसरे कंधे पर बंदूक रख के चलाते हो, अपनी ताकत दो, अपनी ताकत। जल्दी ना करो, मुंह जल जाएगा। हमने तेरे जैसे शेर बहुत देखे हैं। ओए नहीं नहीं, तुमने शेर को सिर्फ सर्कस फिल्मों और ड्रामों में देखा है। तुमने शेर को जंगल में चलते हुए नहीं देखा, तुमने शेर को शिकार करते हुए नहीं देखा, तुमने शेर को पंजा मारते हुए। पकड़ो इसे, मेरी मौत के पीछे आया है। कदर वो लोग करते हैं जो बहार में जख्मों से चूर होते हैं, तो कदर और अफसोस इंतकाम के बाद होती है। जी नज़रीन कहानी आप लोगों ने देखी, इससे हमें क्या सबक मिलता है? कालम निगार ने मुख्तसर अल्फाज में इस पर रोशनी डाली है। खटक के सीने में मलक गुलिस्तान की तिली से लगी हुई इंतकाम की आग, जो इंतकाम लेने के बावजूद भी बुझ ना सकी बल्कि और ज्यादा भड़कने लगी। ये इंतकाम की आग कैसे बुझेगी? एक आसान तरीका कलम निगार ने बता दिया कि अगर बड़े लोग जैसा कि मलक गुलिस्तान या दूसरे मालदार लोग बर्दाश्त करना सीखे और छोटे तबके के लोग सहना सीखे, तो दुनिया में अमन और खुशहाली कायम होगी।
وگرنہ یہی حال ہوگا جو ان دونوں خاندانوں کا ہوا. یقیناً سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. یہ تو پھر کہانی تھی دعاؤں کا طلبگار حسن نگار خٹک.